बासोपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चार पहिया स्कॉर्पियो में ले जा रहे 2100 बोतल शराब के साथ दो धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। धंधेबाज की पहचान दरभंगा जिला के सोनकी थाना क्षेत्र के चिकनी गांव निवासी रतन मंडल के पुत्र शिव कुमार मंडल एवं सोनकी थाना क्षेत्र के रसलपुर सैला गांव के भोला शाह के पुत्र विकास कुमार शाह के रूप में किया गया है। बासोपट्टी थाना के एसआई मधु कुमार सिंह सशस्त्र बलों के साथ गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर मानसिंह पट्टी गांव पहुंचे, जहां नेपाली देसी विदेशी शराब लेकर नेपाल की ओर से बासोपट्टी की ओर जा रहे स्कॉर्पियो चालक ने पुलिस को दूर से ही देख शराब समेत वाहन को छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर दोनों धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। जब चारपहिया वाहन स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में नेपाली विदेशी शराब बरामद हुआ। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहु लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर एक घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।